हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, मैं आज आपके लिए इंडिया इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले आप वन बाय वन खुद इन एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, उसके बाद कुछ सेकंड्स के बाद मैं इसका आंसर भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी इज, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है फॉरेन पॉलिसी का वो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, टू सेफ गार्ड इट्स नेशनल इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द मेकिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द मेकिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी वो कौन कौन से हैं? मिलिट्री प्रिपेयरनेस, हिस्ट्री ऑफ कल्चर, जियोग्राफी, ये तीनों के तीनों ऑप्शंस हैं और तीनों के ऑप्शंस डी पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। थर्ड एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। जनरली गवर्नमेंट्स डिज़ाइन देयर फॉरेन पॉलिसी थ्रू। तो करेक्ट आंसर है इसका हाई लेवल डिस्कशन मेकिंग प्रोसेस, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ एमसीक्यूज। यूएसएसआर स्टैंड फॉर। तो करेक्ट आंसर आपको ये तो पता ही होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ए इज़ द करेक्ट आंसर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। फिफ्थ एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं अब। फॉर्मेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी लाइज विद इन द डिस्क्रिमिनेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी इज द करेक्ट आंसर, हेड ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ। द टाइप्स ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी आर। तो गैस करिए क्या आंसर होगा इसका? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। द टाइप्स ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसीज आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए सेवन्थ एमसीक्यू। नाटो स्टैंड्स फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। द मोस्ट रिलायबल डिटर्मिनेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी इज, तो गेस करिए क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर, जियोग्राफिकल एरिया। नाइन्थ एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। कोरियन वार टुक प्लेस बिटवीन 1950 से 1953 के बीच कोरियन वार। टेंथ एमसीक्यूज की तरफ चलती हैं। डी इज़ द करेक्ट आंसर स्टेट क्रॉफ्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलती हैं इलेवेंथ। ट्रेडिशनली डिप्लोमेसी मेंट द कंडक्ट ऑफ ऑफिशियल रिलेशंस बिटवीन, तो गैस करिए क्या आंसर होगा इलेवेंथ का? बी इज़ द करेक्ट आंसर, सोवरेन स्टेट्स। ट्वेल्थ एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। डिप्लोमेसी इज द प्रोसेस ऑफ, गैस करिए क्या होगा इसका? सी इज द करेक्ट आंसर, रिप्रेजेंटेशन एंड नेगोशिएशन। 13 एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नोन एज इंपॉर्टेंट टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी, गैस सी इज द करेक्ट आंसर, डिप्लोमेसी। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। 14 MCQs. What was India's policy in the face of bipolar order of the Cold War? Cold War means जो शीत युग था, order of Cold War, शीत युग। तो guess करिए क्या answer होगा इसका? A is the correct answer, non-alignment. 15 MCQs की तरफ चलते हैं। Central Treaty Organization is also known as, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज, तो क्या आंसर होगा इसका? गैस करिए बैगडैड पैक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर, बैगडैड पैक्ट। 16 एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। एल ए सी स्टैंड फॉर, गैस वन, ए इज द करेक्ट आंसर,
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 17 चलते हैं, ब्रिक्स स्टैंड फॉर, ब्रिक्स स्टैंड फॉर, बी इज द करेक्ट आंसर, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अमेरिका। नेक्स्ट 18 एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, स्कोर स्टैंड फॉर, बी इज द करेक्ट आंसर, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 19th MCQs की तरफ चलते हैं, देयर हैज़ बीन ग्रेटर डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड USA ऑन द क्वेश्चन ऑफ, गैस करिए क्या इसका आंसर होगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारा, ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज नाउन बाय विच नेम, ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज नाउन बाय विच नेम, तो सी इज द करेक्ट आंसर, हैंड इन हैंड। ये थे हमारे कुछ 20 MCQs इंडिया एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स में से, आई होप आपको पसंद आए होंगे, इंपॉर्टेंट MCQs थे, नॉलेज भी मिली होगी। कल हम नेक्स्ट इसके वाले जो नेक्स्ट 20 MCQs है वो करेंगे। जय हिंद, जय भारत।